क्या है यार, पिछले 10 मिनट से लेफ्ट राइट किया जा रहा है। कुछ बोल तो। फिर मैंने कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा क्या? मैंने बस ये पूछा, मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर सुशांत से मेरी और रिद्धिमा की शादी की बात कैसे की थी। क्या यार, तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है यार? मैं तो बस ये सोच रहा था कि तू रिद्धि का हाथ वापस रिपीट में मांगने जा रहा है, पर मैंने तो एक बार ट्राई भी नहीं किया। तू रिद्धिमा से शादी करना चाहता कमीने? अबे तेरी याददाश्त पे सचमुच असर पड़ गया है यार। मेरी वाली अंजलि है। अंजलि इस बार तेरे साथ मैं भी हिम्मत करी दू। एक गुड आइडिया यार, गुड आइडिया। बस मुझे ये बता कि लास्ट टाइम मैंने किया क्या था। आई मीन लास्ट टाइम मैंने सब कुछ एक ही बार में सेट कर दिया होगा ना। अरे यार तुझे पता भी नहीं है लास्ट टाइम कितना बड़ा पंगा हुआ था, लेकिन इस बार बात ही कुछ और है। क्या, कैसे? अरे इस बार तेरा यार तेरे साथ है ना। तो मतलब पिछली बार तू अकेला था और मैं लेट हो गया था, लेकिन इस बार मैं हूं ना। थैंक्स डूड, आज रात को मिलते हैं। अरे ठीक है, आज रात को, फिकर नॉट। समझ रहे रिद्धिमा, प्लीज। आप तो जानते हैं ना कि अरमान ने बस करो रिद्धिमा, इनफ। पापा, ये जो कुछ हुआ, पापा जो कुछ भी हुआ वो हो गया, अब तो नहीं हो रहा है ना। अब खाना खा लीजिए। मैं खा लूंगा, लेकिन यू नो आई एम रियली सॉरी आपके साथ। पापा सॉरी मुझे कहना चाहिए, गलती मुझसे हुई थी, आपने सिर्फ मुझे सजा दी। और शायद अगर आप मुझे सजा नहीं देते तो मुझे मेरा प्यार भी ना मिलता। एग्जैक्टली। अगर आप इसे पॉन्डिचेरी नहीं भेज रहे होते तो अरमान को रियलाइज ही नहीं होता वो इससे कितना प्यार करता है। सो यू सी एवरीथिंग टर्न्ड आउट परफेक्टली। एग्जैक्टली। और अब आप खाना खा लीजिए, चलिए। एक मिनट, यू नो मेरी दोनों बच्चियां इतनी बड़ी हो गई है, कमाल की टेढ़ी मेढ़ी सी लॉजिक है इन दोनों की। लव यू ऑल, वी लव यू डैड। अरे यार ये निक्की अभी तक आई क्यों नहीं? अगर किसी ने मुझे यहाँ वेट करते हुए देख लिया तो सब बातें बनाएंगे। कम ऑन निक्की। यहाँ ही देखना था, स्टूपिड। मुझे गालियां दे रही हो? ओहो याद ही क्यों शुरू हो गई, फिर से अपने आप से बातें कर रहे हो? अरे नहीं, मेरी माँ। माँ? तुम मुझे माँ कह रहे हो? मैं इतने अच्छे कपड़े पहन के आई और तुम मुझे माँ बुला रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं अच्छी नहीं लग रही? इतना सरकास्टिक होने की क्या जरूरत है? निक्की, निक्की तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच। सच? झूठे। अगर इतनी अच्छी लग रही हो तो सुबह से बोला क्यों नहीं? क्या? I love you. तुम्हें से एक बार भी नहीं बोला। I love you. बहुत 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 ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। लेकिन एक मिनट की बोलिए मिस्टर शर्मा, जिया से बात हो गई? जी हाँ, जिया मिल गई है। गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उन्होंने तलाक देने से मना कर दिया है। व्हाट? फूल डिलीवर करने के लिए थोड़ी देर नहीं होगी अरमान? एक्चुअली मैम मैंने भी यही कहा था। चल चल कर, चल रुक।
तूने तो कहा था अगर सुबह तक वेट करेंगे तो फूल सड़ जाएंगे। अरे प्लान चेंज हो गया, चल आओ आओ अंदर आओ, शशांक भी है अंदर। प्लान फिर से चेंज हो गया, पद्मा डॉक्टर्स आप दोनों यहाँ। ये सब क्या है? तुम्हें फ्रूट्स अच्छे लगते हैं ना डॉक्टर अरवान? सॉरी सर। ये एक्सम है क्या? ये बताता हूँ। ये सर ये एप्पल है, ये दूसरा एप्पल है। ये ऑरेंज है, ये दूसरा ऑरेंज है। ये संतरा है, ये दूसरा संतरा है। ऐसे अनेक प्रकार के फल हैं इस टोकरी में। केला भी है, पाइनएप्पल भी है, गुआवा भी है, खाएंगे। नो थैंक यू डॉक्टर जोशी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब चीजें क्या है, लेकिन इनकी वजह क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। तू बोल। अबे तूने वादा किया था सर वो एक्चुअली क्या है? अंश की बड़ी है, बड़ी के होते हुए छोटी की शादी कैसे होगी? हाँ यार ये तो परंपरा के खिलाफ है यार। ठीक है मैं मौके पे चौके मारता हूँ सर। मैं यार तेरा रिद्धिमा के साथ रोका हो गया यार। अब मैं पीटर तू रिपीटर, तू पहले बात करेगा। डॉक्टर्स डॉक्टर्स होल्ड ऑन, अगर आप दोनों का बचपना खत्म हो चुका है तो आप हमें बता सकते हैं कि इतनी देर से आप दोनों हमारे घर पर क्यों आए? प्लीज इफ यू डोंट माइंड। झूठे मक्कार। नहीं सर सीरियसली इसका आइडिया था? सर मेरा आइडिया नहीं था, मुझे ऐसे आइडियाज आते नहीं है सच्ची। इसका आइडिया था सर? मेरी तो याददाश्त हो चुकी है, मुझे ऐसे आइडिया थोड़ी आएंगे। इसका आइडिया था? मेरा आइडिया नहीं था, मैं सच बोल रहा हूँ माँ कसम। यार क्यों मरवा रहा है यार? अगर ये भड़क गए ना तो ले लेंगे अपनी क्लास यार। भड़केंगे तुझ पे, भड़केंगे ना। तू बोला तेरा आइडिया था, तुझे रिद्धिमा नहीं चाहिए क्या? और तू जैसे अंजलि को छोड़ने वाला? डॉक्टर अतुल आखिरी बार पूछ रहा हूँ आपसे, आप दोनों क्यों आए हैं यहाँ पे? रिद्धिमा से शादी करने। सर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जब से इसकी याददाश्त खो गई है ऐसी अजीब अजीब डिफरेंट डिफरेंट स्टूपिड स्टूपिड से थॉट्स और ख्यालात आते रहते हैं इसमें, इसका कोई कसूर नहीं, इसको माफ कर दीजिए सर। सो डॉक्टर अरमान आप हमारी बेटी रिद्धिमा से शादी करना चाहते? ओके ऑलराइट सर। जब रिद्धिमा रोती है मुझे बहुत दुख होता, जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। याददाश्त खोने के बाद भी जब भी मैं रिद्धिमा के पास जाता हूं तो ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया। उसके पास होता हूं तो और किसी चीज की जरूरत महसूस ही नहीं होती। सिर्फ मैं रिद्धिमा को बहुत खुश रखूंगा सर, प्लीज मुझे रिद्धिमा से शादी करने की इजाजत दे दीजिए। शादी विवाह की बातें तो बड़ों के बीच होती है, और जहां तक मैं जानता हूं ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। दरअसल आप दोनों का रोका हो चुका है तो दोबारा
इजाजत देने का सवाल ही नहीं उठता ना। समझकर जवाब देना, क्या आप इस नमूने से शादी करना चाहती है? अरमान, अगर मैं अपनी बच्ची को जानता हूं तो मेरे ख्याल से इनका जवाब हां है। जगह तो हो गया, मेरे भी सेटिंग करा देना। एक तू बात कर ले, अभी कभी अच्छे मूड में बात मान जाएंगे। पक्का? पक्का पक्का जा। हाँ, विश मी लक। ऑल द बेस्ट। 1 2 9 11 ओके। सर मैं भी। आप भी अतुल? आप भी क्या? नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। सिर्फ मैं करिए तो मैं और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको लड्डू खिलाऊं। प्लीज कीजिए सर। थैंक यू, थैंक यू। भी फोन आने ही वाला होगा, कल रात से टीचर से रिद्धिमा से बात ही नहीं हुई। ये क्या हो रहा है? सिस्टर्स ये क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, बिली सनी बॉय। बिली? यस। ओ यस। ओ यार, तेरी नर्स बहुत अच्छी है, इसने मेरा बड़ा ख्याल रखा। और ये भी बहुत अच्छी, इसने भी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? चप्पियां दे पप्पियां। अरे यार, तेरी सगाई है, तेरी सगाई के लिए आया हूँ। क्यों, मैंने आपको बुलाया क्या? और आप ये जप्पियों पप्पियों में भूल गए कि हम लोग बात नहीं कर रहे। बात नहीं कर रहे? बात तो कर रहे, बात तो कर रहे। हम वैसे बात नहीं कर रहे। वैसे कैसे? वैसे जरा बदतमीज, मैं तेरा बाप, और बाप से वैसे बात नहीं कर रहे। व्हाट आर यू टॉकिंग? अरमान, अरमान मेरी बात तो सुन। आपसे बात नहीं कर रहा। लेकिन तू मुझसे बात तो कर रहा है यार। अरे अच्छा अच्छा छोड़, मुझे याद है वो लोनावला फिल्मी बंगलो यार जो हमने हायर किया था, मेरा बैंड बज गया था, सो एक्सपेंसिव शो था। मुझे याद नहीं है, लेकिन तेरा शैंकी को तो अच्छी तरह याद होगा। हाँ, जो भांग पी के टल्ली हो गया था, कभी यहाँ गिर रहा था, कभी तुम्हारी वो लीन टीन मशीन। मुझे सीरियसली कुछ याद नहीं है मेरी। तो अपने बाप की तरह मजाक कब से करने लगा? चलो थैंक गॉड बाप की तूने कुछ तो आदत ली। मुझे कई बार तेरी माँ पर शक होता है। Yes. हे टू तू उनसे दूर है, और मुझे सीरियसली कुछ याद नहीं। और आपको ये सगाई के बारे में किसने बताया? मेरे दोस्त शैंकी द खड़ूस ने। What? Yes, शैंकी, शैंकी ने बताया मुझे। शैंकी नहीं, डॉक्टर शशांक उनका नाम, प्लीज रिस्पेक्ट लीजिए। अच्छा, ससुर का नाम तमीज से और बाप का नाम बिली। अंकल छोड़ो ना। आई अंडरस्टैंड, वो बुढ़ा खड़ूस है और मैं जवान बाप, राइट? लेकिन तूने अपने घर का एसी क्यों ठीक करवाया अभी तक? आप घर कब गए थे? यहाँ पे आने से पहले सारा सामान डंप करके आया हूँ तेरे घर पे यार।
आप मेरे साथ नहीं रहेंगे हमसे। यार तुझे ये यूं करता ना बड़ा क्यूट लगता है इससे। और एक दिन की बात है, मैं कल चला जाऊंगा। कहाँ? शैंकी के घर। तेरी सास जो है ना बड़ी हॉट है, और आई एम श्योर कि शैंकी साथ के बोर हो गई होगी। मेरा बड़ा अच्छा चांस है वहां। अरे इसने ये बाल कैसे कटवाए? ऐसे लग रहा है किसी चूहे ने गुतर दिए। एक्चुअली अंकल, अरमान की याददाश्त। आई नो, लेकिन मुझे अपने बेटे से लड़ाई करने की इतनी आदत है कि बिना लड़ाई करे मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बात शुरू कर रहा हूं। एक्चुअली उसे तो रिज़्ज़ी भी याद नहीं थी। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये किस तरह का एक्सीडेंट है? इसमें जो लव वाला पोर्शन है, जो प्यार का पोर्शन है, वो उड़ गया। हाय हाय। वो कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं है। कल रात तुमने कुछ कहा कि नहीं? वो इतने सारे लोग थे, लेकिन अब तो कोई नहीं। अब बोलो क्या तुम जानती हो मैं क्या सुनना चाहता हूँ? Not going to fall for it. I'm sorry. क्या दी 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 के बाहर में मुझे नहीं देखने दी को? तुम बोलो ना क्यों? मैं क्यों बाहर में जाऊँ? मुझे क्यों नहीं देखना? मैंने क्या किया? हाँ बोलो बोलो। मेरे डैड ना बिल्कुल सही कहते हैं। मेरे डैड तुमसे क्यों कुछ कह रहे हैं? Get it? बिजी बिल्ली अंकल आए हैं एंगेजमेंट के लिए, डैड से मिलने गए हैं। बिल्ली और डॉक्टर शशांक? रिलैक्स अरमान, हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त? या अरमान वो पिछली बार जब मिले थे तब अच्छे दोस्त बन गए थे। अरमान चिल, योर डैड इज अ रॉक स्टार। पता है वो मेरे लिए चंडीगढ़ से परांदी लेके आई है। देखो मुझे पहले कभी किसी ने परांदी नहीं दी। और पता है उन्होंने क्या कहा? दुनिया की सबसे सुंदर लड़की के लिए। देखो सुनो यार, वो जो बिली है ना, जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं। यू नो व्हाट, बिली अंकल सीधे दिखते नहीं है पर वो सीधे हैं। एंड डॉक्टर केके सी यू। आई एम श्योर किसी अलग बिली से मिली। तुम बिली से मिली हो? हाँ अरमान। आई एम सो सॉरी अरमान। वो बहुत अच्छे और मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरे फादर इन लॉ बने। मुझे निकी को सब कुछ बताना चाहिए। अगर जिया डिवोर्स के लिए नहीं मान रही तो अरे और क्या कहूँ, हमेशा सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। अभी तुम्हारे दिल में जो भी होता है ना मुझे पता चल ही जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हें टेंशन हो रही है ना। तुम्हें पता है? हाँ, but don't worry, सब ठीक हो जाएगा। Really? निकी, तुम्हें यकीन है सब ठीक हो जाएगा? Of course सब ठीक हो जाएगा। एंगेजमेंट भी हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। शादी? ओह शादी शादी मतलब तुम और मैं? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे किसी और के साथ शादी के लिए इतना खुश होंगी। अभी डोंट वरी, मुझे ज्यादा फंक्शंस नहीं चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से शादी करेंगे। तुम्हें चाहिए तो एंगेजमेंट और शादी साथ में ही कर लेंगे। एक साथ शादी? क्यों, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? ऐसे ही मिलते रहेंगे क्या चुप चुप कर? निकी अभी अभी तो प्यार हुआ है, तो इतनी जल्दी तुम
फास्ट फूड में क्यों चल रही हो? नहीं सोचो। अरे निकी सोचो, लेकिन इतनी जल्दी मत सोचो। मेरा मतलब मतलब हेलो। अरे बिना डिस्कस किए चला गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। निकी लगता है तुझे फिर से बात करनी पड़ेगी, और इस बार ना सब कुछ डिस्कस कर लेना, एवरीथिंग।